राज्यका मन्त्री सिद्दिकुल्ला चौधरीले बंगालमा पढ्ने लेख्ने नयाँ माहौल बढिरहेको बताएका छन्। दार्जिलिङमा आयोजित चार दिवसीय पुस्तक मेलाको दोस्रो दिन आयोजित कार्यक्रममा उपस्थित भएका मन्त्रीले आज यस्तो मत व्यक्त गरेका हुन्। उनले दार्जिलिङका मानिसहरूको व्यवहार साथै दार्जिलिङले देश विदेशका मानिसहरूलाई आकर्षित तुल्याउने गरेको पनि जनाए। ये 27 दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट बुक फेयर है। गुज़श्ता पास्ट हम लोग 6 दिसंबर से 22-23 का बुक फेयर शुरू किया था। कालिम्पोंग में 18 फरवरी को एड होगा बुक फेयर का। पूरे स्टेट में 23 डिस्ट्रिक्ट और 3 एडिशनल 26 और सिलीगुड़ी महाकाम परिषद 27 बुक फेयर हम लोग कर रहे हैं। लोगों का बहुत इसमें आदर है और लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पब्लिशर वाले भी आ रहे हैं। इसमें पढ़ने लिखने के बारे में बंगाल में एक नया माहौल बन रहा है, नया विषय बन रहा है बुक फेयर के मुताबिक। डिजिटल है लेकिन बुक है। बुक का बदल जो है डिजिटल नहीं है। हम लोगों ने अपने डिपार्टमेंट में 34,000 पेजेस इसका डिजिटाइजेशन किया है। जो पुराना लिपि है वो अपने जगह पर है, लेकिन बुक के बदल में दूसरा कोई और नहीं है। चीफ जस्टिस कोई राय लिखते हैं, पहले लिखते हैं, फिर कंप्यूटराइज होता है, फिर पढ़ा जाता है। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पहले लिखता है, फिर अपने कंप्यूटर में लोड करके रखता है। तो पढ़ने लिखने में इसका कोई विकल्प नहीं है। और दार्जिलिंग बहुत पुराना सिटी है, इसमें मैग्नेट है। दुनिया के लोग दार्जिलिंग में आते हैं। यहाँ के व्यवहार, यहाँ के आदमी और यहाँ के पब्लिक, इनका मन बहुत अच्छा है। मेरा भी जी चाहता है कि साल में 2-3 दफ़ा दार्जिलिंग आए, लेकिन मौका नहीं मिलता है। इसलिए आज कैबिनेट मीटिंग है, इसके बावजूद चूँकि दार्जिलिंग का बुक फेयर है तो हमने सुब्बा जी से कहा है हम तो जाएंगे, दीदी से थोड़ा सा दरख्वास्त कर लेंगे। दार्जिलिंग के बुक फेयर में गए इसलिए कैबिनेट में आ नहीं पा रहे। हम चाहेंगे ये बुक फेयर सक्सेसफुल हो। 2022 में जो बुक फेयर पास्ट ईयर में हुआ था, 1,20,00,000 विजिटर तमाम बुक फेयर में आए थे और लगभग समझ लीजिए 10 करोड़ रुपया की बुक में परचेस हुआ था। ये एक फ्यूचर है, तो इस साल भी हमें उम्मीद है अच्छी परचेस होगी। 4 दिन का बुक फेयर है। यह GTA की भी रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे डिप्टी डायरेक्टर सुमन तो हैं और सुब्बा हैं। हम सबको मिलकर बधाई देना चाहते हैं दार्जिलिंग वालों को कि वो आए बुक फेयर को या सफल करें और कामयाब बनाए। नहीं, सेकंड इससे पहले आए थे जब कोरोना था और उसी दिन CM का फोन आया कि 15 मिनट में बुक फेयर ख़त्म करके निकल आओ। सही है ना? हाँ सर, 2020 2020 के बारे में आप बोल रहे थे जी, लाइब्रेरी की वैकेंसी के बारे में। लाइब्रेरी में देखिए ये वैकेंसी CPM लेफ्ट फ्रंट के ज़माने से चला आ रहा है। लाइब्रेरी को इतना इम्प्रूवमेंट वो उन्होंने दिया नहीं। दीदी जब से गवर्नमेंट में आई और चीफ मिनिस्टर बने, हर डिपार्टमेंट को डेवलप किया है। तो लाइब्रेरी को डेवलप करने के बारे में बहुत वो भी चेष्टा कर रही है।
737 वैकेंसी जो रूरल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन बनेंगे, इसके लिए हमने तमाम नोट बना करके भेजा है। हमें उम्मीद है कैबिनेट में अगर पास हो जाएगा तो ग्रामीण और रूरल लाइब्रेरी के लिए लाइब्रेरियन बन जाएंगे और 1000 एम्प्लॉय जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर काम करेंगे उसके लिए भी हमने एक पिटीशन दरख्वास्त सीएम को हमने दिया है। इसलिए लाइब्रेरी अब तो लोगों के बीच में मान्यता उनको मिला है। और ये जो दार्जिलिंग का डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है और ये जो बुक फेयर वगैरह यहाँ पे चल रहा है, मगर अभी लगता है कि बुक वगैरह पढ़ना आदमी ने छोड़ दिया है। इसके लिए ये देखिए, ये एक इंटरनेशनल ये है क्राइसिस है, सब मिलेंगे। कोई बाप नहीं चाहता उनका लड़का कम रिजल्ट में पास करे, पिताजी चाहेगा हमारा लड़का फर्स्ट डिवीजन में पास करे, कोई थर्ड डिवीजन में पास करता है तो उनका कुछ। इसलिए ये दुनिया के फिजा में ये नहीं होता, इसलिए हम सब मिलेंगे तो बुक पकड़ेंगे। बुक जब तक नहीं पकड़ेंगे अपने अगला पीढ़ी को हम ऊपर नहीं पहुँचा सकते। सर, आई हैव वन क्वेश्चन। इन हिल्स 80% ऑफ चिल्ड्रेन लिविंग इन रूरल एरिया, लाइब्रेरी इन रूरल एरिया। देखिए, हमारे रूरल एरिया में जो लाइब्रेरी है, पहले तो वहाँ हम डेवलप करेंगे, इसके बाद वहाँ अगर कोई स्कूल है 9, 10, 11, 12 वो स्कूल में कोई बुक्स, मीनिंग बुक्स, सजेशन बुक्स और कुछ बुक मांगना चाहें तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट लाइब्रेरी के थ्रू हम वह सप्लाई दे सकते हैं, ये जो स्टूडेंट के पढ़ने के लिए ये काम हम कर सकते हैं। ओके, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे एजुकेशन काफ़ी अच्छा है दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बने, मुर्शिदाबाद है, मालदा है, उत्तर दिनाजपुर। प्राप्त करने के बाद सब बच्चे यहाँ से पलायन हो रहे हैं, उसके लिए आप लोगों का क्या ये देखिए, ये एक पॉलिसी है, पैसा जहाँ मिलता है पढ़ाई लिखाई तो एक तो अपने को ऊँचा करने के लिए होता है और एक पढ़ाई लिखाई जॉब के लिए होता है। तो जो लोग ज़्यादा जॉब ढूंढते हैं वो सोचते हैं बंगाल में जॉब करेंगे तो 1 लाख मिलेगा, बाहर करेंगे तो 3 लाख मिलेगा, इसलिए वो भाग जाते हैं। क्या कर सकते हैं, तो ये बंगाल कुछ कुछ ऐसा क्यों है? मैं बताऊँ, नहीं बंगाल नहीं, गुजरात से भी लोग चले जाते हैं। अमेरिका में 40% डॉक्टर इंडिया ने क्यों गए बताइए, 40% 100 में 40 डॉक्टर इंडिया ने, हमने तो धक्का देकर भेजा नहीं, लेकिन वहाँ मिलेगा तो 25 लाख 30 लाख 50 लाख महाना में कमाएंगे, एक नेचर है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे धरती से जिसकी मोहब्बत हो वो अपने धरती को भूल नहीं सकता, वो धरती की तरक्की उनकी तरक्की होगी, पहले अपने मुल्क की तरक्की करो, सिटी की तरक्की करो, फिर बाहर की तरक्की करो।